सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुनीता। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि फ़ोटो को एडिट कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग उसी फ़ोटो को हार्ड वेस में एडिट करने वाले हैं। सो फ्रेंड, अगर आप भी अपना फ़ोटो को एडिट करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मेरे को वहाँ पर फॉलो करके वहाँ पर अपना फ़ोटो भेज दीजिएगा, हम आपका एडिट कर देंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग चलते हैं सिंपली से अपने वर्क पर। हमने अपने व्हाट्सएप से इस फोटो को इस स्नैप ग्रुप में ऐड कर लिया है। वहाँ पे जब आप लोग ऐड कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा डिस्कार्ड स्क्रैच, तो आप लोग वहाँ पे उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको पहले वाले फ़ोटो को डिस्कार्ड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा फ़ोटो कुछ इस टाइप का है। मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, तो देखिए इसका कुछ चेहरा पर इतना थोड़ा थोड़ा गंदा टाइप सा लग रहा है। तो अभी हम लोग इसको करने वाले हैं, तो इसको हम लोग साफ़ करने के लिए सिंपली से चलेंगे इस वाले टूल में चलेंगे। इस वाले टूल में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ से हम ब्रश को लेंगे, तो अभी हम फिलहाल ब्रश ले लेते हैं। ये देखिए आप लोग का यहाँ पे जहाँ पे हम टिक लगाए हैं वो वाले ब्रश ले लेते हैं। फिर उसका हम लोग इधर चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद देखिए आप लोगों को यहाँ आप लोग साइज 6.8 मतलब साइज को अपने मन से आप लोग रख सकते हैं, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन फेलो होता है इसको आप अपने मन से नहीं रख सकते हैं। इसको करने से आपका चेहरा पर पूरा ख़राब आ जाएगा। तो फेलो अभी फ़िलहाल मेरा 3% है। आप लोग अपने फ़ोटो के हिसाब से इसको मैक्सिमम 5 का अराउंड में इसको आप लोग रख सकते हैं, तो ज़्यादा अगर रख दीजिएगा तो आपका फ़ोटो नहीं अच्छा आएगा। तो हम लोग अभी तो फिलहाल इस फ़ोटो में हमने 3 का यूज़ किया है, 3% का। उसके बाद स्ट्रेंथ इसको आप लोग 100% रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे। फिर उसको आने के बाद हम सिंपली से यहाँ पे ब्रश का चूज कर लिए हैं। फिर उसके बाद हम सिंपली फ़ोटो को जूम करेंगे, और जूम करने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को जहाँ पे तीर का आइकन दिख रहा है सबसे पहले वहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ब्रश का साइज छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा, कलर को मत छूइएगा नहीं तो आपका फ़ोटो ख़राब हो सकता है। तो सिंपली से हम इसको देखिए आप लोग को अभी फ़ोटो फिलहाल साफ़ हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। तो हम पहले इसे साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को वीडियो में आगे बताते हैं। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं हमने फोटो को क्लीन कर लिया है। फ्रेंड मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताता हूं कि देखिए जहां पे आप लोगों को तीर का आइकन दिख रहा है वहां पे पहले क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहां से ब्रश का साइज छोटा है हम यहां से इधर राइट लेफ्ट करके इसको ब्रश का छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और कलर को आप लोग फिर से मत छूइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकदम बिगनर लेवल से ही फोटो को एडिटिंग करना सीखे, जैसे अभी मैं एकदम बिगनर लेवल से ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ज़्यादा सब चीज़ बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, कितना लेवल लेना है, सब चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अभी हम आप लोग को फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पे राइट लेफ्ट करने में ब्रश का साइज बड़ा छोटा होता है। मैं आप लोग जितना फ़ोटो को जूम करके कीजिएगा उतना ही अच्छा आप लोग का फ़ोटो बनेगा। एवं जूम करते हैं आप लोग ब्रश का बड़ा छोटा या बड़ा साइज आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पहले का फ़ोटो आप लोग मिलाइए और अभी का फ़ोटो जूम करके मिलाइए, देखिए कितना चेंजेस आ चुका है। यहाँ पे सारा जितना दाग धब्बा गंदा था वो सब चीज हट चुका है। तो आप लोगों को पहले का फ़ोटो यहाँ पे शो हो रहा होगा, और अभी का फ़ोटो देख लीजिए कितना स्मूथ हो चुका है। अब हम लोग इसका पीछे का बैकग्राउंड को कुछ हल्का फुल्का चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग LR के एप्लीकेशन से उसको करने वाले हैं। स्क्रेच प्रूफ इस एप्लीकेशन से केवल हम चेहरा का दाग धब्बा और बाकी सब कलर को मेंटेन कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे हमारा फ़ोटो बन के आया है। मैं चाहता तो इतना फिर भी हम इसको करके इसको एकदम पूरा HD का लुक दे सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि इसका पीछे का भी बैकग्राउंड जैसे आप लोग थंबनेल में देखा था वैसा हम लोग उसको बनाने वाले हैं। तो फिर अब हम लोग चलते हैं LR के एप्लीकेशन पर। सो फ्रेंड, अब हम लोग आ गए हैं अपने LR के एप्लीकेशन पर। देखिए आप लोग यहाँ से गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे जाकर फोटो को इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने गैलरी से फोटो को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इस वाले टूल पे, क्रॉप के जस्ट नीचे वाले इस वाले टूल पे। देखिए आप लोगों को वहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे चलने के बाद देखिए हम लोग यहाँ पे आप बना बनाया आप लोगों का यहाँ पे कलर मिल जाता है। तो हम यहाँ पे फिलहाल अभी नेचुरल इसका चूज करते हैं, क्योंकि मेरे को पीछे ब्लर मारना है।
तो इसके बाद हम ब्राइट भी इसको चूज कर सकते हैं, तो हम ब्राइट ही इसको छोड़ देते हैं। ब्राइट करने के बाद यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा और नीचे आइएगा, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे जो सनलाइट का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब सूर्य की तरह दिखने वाला, तो यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद इसका जो हाईलाइट है इसको आप लोग थोड़ा सा माइनस प्लस इधर उधर कर सकते हैं। फिलहाल हम इसका हाईलाइट मेरे को और इसका हम लोग 50 इसको हम लोग और बढ़ाएंगे, इसको हम लोग 90 इसको हम लोग 100 का राउंड रख देंगे। आप अपने फोटो के हिसाब से उसको सब चीज़ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाइट है तो वाइट को हम थोड़ा सा और यहाँ पे मैनेज करेंगे ताकि चेहरा पर ग्लो आए, तो वाइट को हम देखिए थोड़ा सा और मैनेज अपने हिसाब से, इस फोटो के हिसाब से 72 सही रहेगा। तो उसके बाद ब्लैक, तो ब्लैक को हम थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा अपने फ़ोटो के हिसाब से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लैक को 45 इस फोटो के हिसाब से सही है, तो 45 इसके हमने रख लिया। तो अभी इसको जूम करके देखते हैं तो काफ़ी मेरा फ़ोटो अच्छा आने वाला है बनकर। तो आप लोग अभी से देख सकते हैं फ़ोटो में कुछ इसका डिज़ाइन आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा यहाँ पे फ़ोटो अभी बन रहा है। पीछे का देखिए आप लोग कुछ बैकग्राउंड हल्का फुल्का चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे देखिए जो वहाँ पे था उसका जस्ट नीचे आप लोग देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपका टेम्प जो है इसको थोड़ा सा इसको फोटो के साथ हम कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखा है, टेम्प को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको ताकि हमको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड जो कि चेंज करना है। तो यहाँ पे हम इसको फिलहाल रख लेते हैं, टेम्प को यहाँ पे हम 12 रख देते हैं। तो 12 इस फोटो के हिसाब से एकदम काफ़ी अच्छा लुक में आ रहा है। देख सकते हैं आप लोग पूरा DSLR का पिक है, हालांकि ये DSLR खींचा हुआ पिक नहीं है, मोबाइल से खींचा हुआ पिक है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ पे मेरे को फॉलो करके अपना फोटो को सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका भी एडिट करके आपको दे दूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे फोटो का कलरिंग मैच हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम इसमें, यहाँ पे सबसे ऊपर जहाँ पे आप लोगों को तीर का आइकन दिख रहा है मिक्स में, यहाँ पे आने के बाद देखिए हमको यहाँ पे सबसे पहले व्यू इसको हम लोग अपने फोटो के हिसाब से मैनेज करते हैं। फोटो को हम -21 व्यू इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका नीचे सेचुरेशन में, सेचुरेशन को इस फोटो के हिसाब से हम लोग ऐड करेंगे। सेचुरेशन को देखिए आप, हमने यहाँ पे 65 के अराउंड में यहाँ पे रख लिया है। फिर उसके बाद सबसे नीचे आते हैं ल्यूमिनियंस को, हम यहाँ पे 38 का राउंड यहाँ पे रख देते हैं। इस फोटो के हिसाब से काफ़ी सही बन के आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं फोटो को, डिस्प्ले पे आप लोगों का पहले का फोटो शो हो रहा होगा और अभी का फोटो आप लोग कुछ मिलाइए। अब प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हम फोटो को एडिट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम बिगनर लेवल से फोटो को एडिटिंग करना सीख रहे हैं और आप लोग को भी सिखा रहे हैं, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आप लोग इस वीडियो को देख कर सीख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे, हालांकि हमको पीछे ब्लर मारना है तो हम येलो वाले पर चलेंगे। येलो वाले पर चलने के बाद इस फोटो के हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है ह्यू, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ह्यू को हमने -65 का राउंड रखा है। तो देख सकते हैं आप लोग पीछे कुछ बैकग्राउंड चेंज हो गया है। और उसके बाद उसके सेकेंड ऑप्शन है सेचुरेशन को हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं। सो फ्रेंड उसके नीचे है मेरा ल्यूमिनियंस को यहाँ पे हम सेट करेंगे थोड़ा सा, तो इसको हम 35-44 के अराउंड ले लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है फोटो में। तो इसको हम लोग बस इतना ही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद थोड़ा सा और हम लोग ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसके नीचे जहाँ पे आप लोगों को तीर का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने में यहाँ देखिए गेन, इसको हम लोग गेन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 6 के अराउंड में यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे हम गेन को 6 के अराउंड पे रख लिया है, बाकी ये अभी फिलहाल हम इसको नहीं छूते हैं। फिर उसके बाद नीचे आप लोगों को आना है। फिर नीचे आने के बाद उसके बाद इसमें भी हम लोग का कोई मेरे को अच्छा नहीं लगता है इसमें, तो इस पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम इसको ऑन कर देंगे, रिमूव क्रोमेटिक एवरेशन इसको हम लोग ऑन कर देंगे। और फिर उसके बाद इनेबल लेंस करेक्शन इसको भी हम लोग यहाँ पे ऑन कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं आप लोग को कितना अच्छा यहाँ पे फोटो का मेरा ग्लो आ चुका है और पीछे का बैकग्राउंड भी कुछ चेंज हो चुका है। अभी फिलहाल मेरा फोटो बना नहीं है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और फिर उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा और नीचे आना है, बाकी ये सब तो मेरा कुछ काम का नहीं है। और फिर से हम लोग को यहाँ पे चलना है लाइटिंग वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, कर्व वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
कर्व वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले रेड वाले को ले लेते हैं। रेड वाले को लेकर थोड़ा सा इसको हम लोग अप डाउन करेंगे, तो बस इसको हम ज़्यादा नहीं, बस इतना ही हम छोड़ देते हैं रेड वाले को। फिर उसके बाद ग्रीन वाले को लेते हैं, तो ग्रीन वाले को लेने के बाद थोड़ा सा इस फोटो के हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं। हालांकि हमको पीछे ब्लर चाहिए होगा, तो हम इसके थोड़ा सा हमने यहाँ पे ग्रीन वाले को इतना पर सेटअप कर लिया है। उसके बाद हम ब्लू वाले पे आते हैं। ब्लू वाले पर आने के बाद देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्लस माइनस करेंगे अपने हिसाब से, अपने फ़ोटो के हिसाब से। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा मेरा यहाँ पे पीछे का कुछ हल्का बैकग्राउंड कितना अच्छा आ रहा है। फिर उसके ऊपर यहाँ पर डन वाले ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फ्रेंड आप लोगों को फोटो यहाँ पे पहले का शो हो रहा होगा और अभी का शो हो रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फोटो हमारा एडिट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे सिंपली से गैलरी वाले ऑप्शन में सेव कर लेंगे। गैलरी वाले ऑप्शन में सेव करने के लिए यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग सेव टू डिवाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक्सपोर्टेड कंप्लीटेड हम लोग यहाँ ओके दे देना है। मेरा फोटो सक्सेसफुली हो चुका है। फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आप सबों को टेक्निकल से रिलेटेड, फोन से रिलेटेड, पीसी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। सो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग मेरा इस वीडियो में कैसा रहा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।